दूर से सब कुछ पास नजर आता है, जितना पास जाओ उतना दूर होता चला जाता है, क्योंकि सब कुछ मोहमाया है। तुम्हें जीतना कैसा लगता है? हम हर बार जीतना चाहते हैं सर। जीत से दोस्ती कर लो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हार से प्यार करो, वो जीतने में तुम्हारी मदद करेगी। अपना रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा है? 5 बार सर। 5 times सर। 100 meter कितनी बार और 200 meter? 100 meters 3 बार सर। मेरे ड्राइवर को बोल के आओ कि वो तैयार रहे। ठीक है सर। तुम इधर आओ। वैसे तो मैं किसी को सलाह नहीं देता, लेकिन तुम्हें देना चाहता हूं। हमें हमेशा जीतने के लिए भागना चाहिए, किसी को हराने के लिए नहीं। हराने वाला हमेशा तुम्हारे पीछे भागेगा और हमेशा पीछे ही रहेगा। जो जीतना चाहता है वो आगे रहेगा और हमेशा जीतेगा ही। जीतना किसी को हराना नहीं है, समझ गए? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फेवरेट गाने सुन रहे थे, अब बारी है मेरा फेवरेट गाना सुनने की, जो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। This is RJ Parvati signing off, आप सुन रहे हैं 98.3 FM, बहुत हॉट है गुरु। हाय पल्लवी, भागी भागी कहाँ जा रही है? मुझे डैड आने से पहले घर पहुंचना है। ओके बाय। हेलो सर, आप राजा राम है ना? आप मुझे भगा कर ले जाएंगे तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगी। ए, पहले मेरे साथ तो भाग ले। भगोड़ी किस्म की लड़की पढ़ाई है तूने? आज मैं पहली बार इसके साथ भाग रही हूँ। सर इसे मेरे साथ ही भागने दो। तो जल्दी शुरू कर, मैं रेस में उतरा तो खून क्या शुरू होगा। तुम्हारे मुंह में क्या है? त्याग लय की धुन। तुम्हें तो चुप रहो, ये त्याग लय की धुन नहीं है, त्याग राज की है। ठीक से बोलना सीखो। अब बताओ गाना कैसे गाओगे? मुंह में चॉकलेट जो भर के रखी है। रियाज ठीक से चल रहा है ना? पापा,
डिनर में क्या बनाऊं? आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भूख नहीं है। खुशी का खाने से क्या संबंध है पापा? वही जो स्कूटी और सिग्नल का संबंध है, दोनों का एक दूसरे से वास्ता नहीं है। सिर्फ गाने ही नहीं, एफएम पे तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। कल से छुप कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी पापा, मुझे लगा आप मना कर देंगे। बेटा तुम नहीं बताओगी तो रेडियो तो बता ही देगा। तुम यहाँ नहीं हो ना? आज मैं स्टेडियम गया था, रॉबिन मिला। मैंने आज उसे भागते हुए देखा। एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या? तुम दोनों को उसे गिफ्ट कर दूँ? हम दोनों को? सच में दे दोगे? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमें अलग मत करो प्लीज। बकवास मत करो, वो कोई मामूली एथलीट नहीं है, अपना ये रिकॉर्ड 5 बार तोड़ चुका है। तुम्हें याद है कि तुमने अपना रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा है? तुम सब भूल गए हो क्या? हमारा प्यार भी। यहाँ पड़े पड़े क्या करोगी, वहाँ कम से कम उसके काम तो आओगी। राम, क्या कहा तुमने? हम इंसान नहीं इसलिए कहा ना, भले हमें जान नहीं है पर हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, दूरी में भी करीबी का एहसास होता है। मैं जानती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस प्यार की तुम्हें आदत लग गई है। तुम एक रनर हो, जितने पर भी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। तुम कभी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। तुम कभी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। क्या सोच रहे हो भाई? आसमान हमेशा नीला दिखता है, लेकिन इसमें सारे रंग होते हैं, कल्पना से भी परे, एक पेंटिंग जैसा। भाई आसमान देखोगे तो सिर्फ एक ही रंग दिखेगा, लेकिन अगर लड़की देखोगे तो बहुत सारे रंग नजर आएंगे। ऐसा क्या है लड़कियों में? भाई इसके लिए तो प्यार करना पड़ेगा। मुझे तो पहले प्यार हो चुका है। किससे? अपनी रनिंग से। अरे भाई सुनो तो, मैं भी आ रहा हूँ। ये बात और है कि मैं तुम्हारे जितना तेज नहीं भाग सकता। अरे यार आज ये फिर मुझे यहाँ ले आया। आज ये क्या कह रही है? फ्लाइंग किस दे रही है? हाँ? स्पाइक तुझे फ्लाइंग किस दे रही है? भाई हमें कब मौका मिलेगा जरा पूछना। चप्पल से मारूंगी। बोल रही है तुझे चप्पल से मारेगी। अच्छा बेटा, जूते कब से चप्पल पहनने लगे यार? एक बार प्यार करके देख, जूतों में चप्पल नजर आएगी। भाई वाइजाग में एक बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल है, तुझे वही लेके जाऊंगा। जरा खुद को देख यार, आसमान से फ्लर्ट कर रहा है, जूतों के प्यार में पड़ रहा है और लड़की से दूर भाग रहा है। यार तेरे बारे में ना मुझे टेंशन हो रही है। देख अगर मैं ये स्पाइक पहनकर भागूंगा तो आसमान तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह! स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और फिर सीधा ओलंपिक्स। यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ही लेते हैं। अच्छा चाय के लिए 10 रुपए हैं क्या? नहीं है यार। स्पाइक्स की कीमत जानता है? 6,000 रुपए। इच्छाओं पर थोड़ा काबू रखे यार, सब कुछ तो है तेरे पास। अरे यार क्या ड्रेस है, एक्सक्यूज मी,
थोड़े अच्छे ड्रेस पहना करो ना। हाँ तो आजा शॉपिंग करा दे लोफर। अरे बाप रे, सच कहो तो बुरा लगता है। जेब में पैसे नहीं है फिर भी लड़की के पीछे भाग रहा है। मैं तो सिर्फ सपनों के पीछे भाग रहा हूँ। सपने लड़कियों से ज्यादा अपने होते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम जाओ। ओके टीचर। नमस्ते टीचर। नमस्ते। बेटा स्वामिनी। जी टीचर। घर वालों को याद दिलाया? कल पैसे ले आऊंगी टीचर। भूलना मत बेटा, 3 महीने की फीस बाकी है। ठीक है टीचर। मैं बहुत उदास हूँ, भूख नहीं लग रही है। मुझे पता है, जब तू उदास होता है तुझे भूख नहीं लगती। क्या बात है, मेरे बचपन में तुम कितनी सुंदर दिखती थी और अब देखो चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। तेरी माँ बूढ़ी हो रही है। सब मेरी वजह से। तेरी वजह से क्यों? मैं तभी खाऊंगा जब तुम खिलाओगी। नहीं खाना मुझे। चुप रह। खा लो। नहीं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम क्यों नहीं खाओगी? जब तू उदास होता है तो तुझे भूख नहीं लगती है ना, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी अच्छी माँ, मुंह खोलो। अगर बेटा खाना खा ले तो माँ की भूख अपने आप शांत हो जाती है। चलो खाना खाओ। माँ मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं? और तेरी पढ़ाई का क्या? अरे मैं एथलीट हूँ, उसी में आगे बढ़ूंगा। पढ़ाई लिखाई के बिना उससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूं माँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर एक काम कर, तेरे पापा मेरे गले का मंगलसूत्र ले गए, तू मेरे लिए गोल्ड मेडल ले आ, मैं उसे गले में पहनूंगी। नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। तू भाग कर जाना और मेडल ले आना। लाएगा ना? राम कम ऑन, स्पाइक्स पहनो जल्दी। मैं बिना स्पाइक्स के भागूंगा सर, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भागना सेफ नहीं है, मेरी बात मानो। मेरे पास अपने स्पाइक्स हैं। ठीक है तो वही पहन लो। अभी मैंने खरीदे नहीं है, शोरूम में। हंस क्यों रही है? ए राम, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो स्पाइस खरीदे बिना तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ वो मेरे अंदर की फीलिंग है सर, खरीदने से नहीं आएगी और आएगी तो जाएगी नहीं। राम मेरी बात मानो और ये पहन लो। राम हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी पहनो। अरे बोला ना सर, नहीं पहनूंगा। मेरी बात सुनो। ए राम, यहाँ हर यूनिवर्सिटी से प्लेयर आए हुए हैं। दी कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी टफ। ऑल पार्टिसिपेंट्स गेट रेडी फॉर द रेस। चल राम कॉन्सेंट्रेट कर। सेट।
उसे दे दो ना। ठीक है। स्पाइक्स होते तो और फास्ट भागता। अरे तू तो बिना स्पाइक्स के इतना तेज भागा यार। ये क्या? इसने कहा देने को। अरे नाम तो बताते जाओ, ये एन का क्या मतलब है? देख तो पैर में कितनी चोट लगी है, शूज पहनकर नहीं भाग सकता था। मुझे दर्द नहीं हो रहा माँ। बुद्धू कहीं का। एक बार जीत कर देखो, सारे दर्द भूल जाओगी। ऐसा? मैं जानती हूँ। कैसे? तुम कभी जीती हो माँ? जब तू पैदा हुआ मैं जीत गई। वो नरक जैसा था। जब तू पैदा नहीं हुआ था मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे देखते ही मैं सब कुछ भूल गई। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है माँ? ये लो, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, है ना? मुझे पता था कि तू मेडल जरूर लाएगा। अगली बार मुझे नेशनल मेडल चाहिए। क्या माँ, हमेशा खीर बनाती हो, बादाम का हलवा क्यों नहीं? तू नेशनल मेडल जीत कर ला, मैं बादाम का हलवा बना दूंगी। ओके लेखा। माँ, आज बुरखे में एक लड़की को देखा, उसकी आंखें एकदम ट्रैफिक सिग्नल की तरह थी, उन्हें देखते ही रुक गया। तू एक लड़की को देखकर रुक गया था? कौन है वो? सिर्फ उसे देखा ही है माँ, बस। वहां पर सब लोग मेरी जीत की खुशियां मना रहे थे, पर सिर्फ वही थी जिसे मेरे पैरों की चोट नजर आई। क्या तुझे प्यार हो गया है? क्या माँ, पीछे पड़ जाती हो तुम, इसलिए तुम्हें कुछ बताता नहीं हूँ। वो सभी लोगों में सबसे तेज भाग रहा था, उसे भागते हुए चोट का दर्द महसूस नहीं हुआ, इसीलिए तो वो जीता। राजाराम तो हिंदू नाम है ना? हाँ वो हिंदू ही है। ओ अच्छा, मुझे लगा वो एक भला इंसान है। मैंने उससे बात नहीं की, तू करेगी क्या? मैं क्यों करूं? छोटे बच्चों की तरह वो जूतों की वजह से रो रहा था। ओह, कॉलेज की सारी लड़कियां उसे देखती हैं, लेकिन वो किसी को नहीं देखता। अच्छा, वैसे तुम भी तो किसी लड़के को नहीं देखती। उसने जूते क्यों नहीं खरीदे? उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसके पिता क्या करते हैं? पिता नहीं है, सिर्फ माँ है, म्यूजिक टीचर है, मिसेस पार्वती। सलाम। नमस्ते। जरा रुको, तुम कौन हो बेटा? मैं आपसे संगीत सीखना चाहती हूँ। आओ यहाँ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? खानू। इतना हिचकिचा क्यों रही हो? मैं मुस्लिम हूँ ना, मुझे लगा आप मना कर देंगी। ऐसी बात नहीं है, संगीत के लिए सिर्फ दिल चाहिए, धर्म नहीं। गाना गाओगी? तो गाओ।
मैं दिल से तुम्हारी आवाज सुनूंगी। बहुत सुंदर गाया। मैं यहाँ सीखने आ सकती हूँ? कब से आना चाहोगी? मैं तो सिर्फ शाम को ही आ सकती हूँ, सुबह कॉलेज होता है ना। ये क्या है? सरस्वती के ज्ञान को बेचना पड़े, अभी वैसे दिन नहीं आए हैं। ज्योति, क्या है? तुम्हारी गाड़ी कितनी अच्छी है, एक राउंड दो ना। मैंने सुना है तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। क्यों, चला कर दिखाऊं क्या? सीनू के पास भी तो बाइक है, उसी से ले लो, लोफर कहीं का। अरे अरे भाई, ये लड़कियां शरीफ लड़कों को भाव क्यों नहीं देती? ए, तूने कभी किसी लड़की की आंखों में देखा? आंखों तक तो मैं कभी पहुंचा ही नहीं, मतलब जब पहुंच जाएगी तब देख लूंगा। तू नहीं सुधरेगा, चल एक लड़की को ढूंढना है। कहाँ मिलेगी यार? तू एक लड़की को ढूंढ रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तुझे क्या, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। अरे शह, माँ के बाद पहली बार कोई लड़की इतनी अच्छी लगी है। वो मुस्लिम लड़की है, बुरके में लिपटा हुआ गुलदस्ता लगती है। जब से देखा हूं दीवाना हो गया हूं, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। बस ऐसा लगता है कि अगर वो ना मिली तो मर ही जाऊंगा। भाई ऐसे मरने को ही प्यार कहते हैं? तुझे प्यार हो गया? अरे शक तो मुझे भी है, पर पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है मतलब अभी भी कंफ्यूज्ड है? यार ये सारे कमरे खाली क्यों? लगता है संडे है। आज कोई लेक्चर नहीं है क्या? राम जरा यहाँ आना। आया सर। नमस्ते। डियर फ्रेंड्स और स्टेट एथलेटिक्स चैंपियन राजा राम, अब हमारे प्रिंसिपल सर राजा राम का सम्मान करेंगे। थैंक यू सर। हमारे कॉलेज में लेक्चर देने वाले टीचर्स के पास आवाज होती है, मेरे जैसे पीटी टीचर के पास बजाने के लिए विसल होती है। कुछ लोग ढंग की सैलरी तो दूर, दूसरों को इज्जत भी नहीं देना चाहते। आप लोग क्लासरूम में रहते हैं, हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, लेकिन हमें कम मत समझना सर। आपके क्लासरूम में पंखा होता है, टेबल होती है, किताबें होती हैं, बोर्ड होता है, पर प्लेग्राउंड में सिर्फ एक चीज होती है, राष्ट्रीय झंडा, द नेशनल फ्लैग। डर था कि पता नहीं रिटायर होने से पहले यह मौका मिलेगा या नहीं। मुझे तो हर महीने की सैलरी गिनने में भी शर्माती थी, लेकिन ये मेरा स्टूडेंट राजा राम, इसने मुझे सफल बनाया। इसने मुझे बताया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसने मुझे जज्बा दिया, मुझे एक आवाज दी। थैंक यू। क्या हुआ काका? ऑटोग्राफ मिलेगा क्या बाबू? सिग्नेचर तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन ऑटोग्राफ हर कोई नहीं दे सकता।
कोई बेवकूफ जो 100 रुपए देकर अपना अकाउंट खोलेगा अपने चेक पर साइन कर सकता है। 100 करोड़ कमाने वाला भी ऑटोग्राफ नहीं दे सकता। फर्स्ट टाइम है ना, देख कर करोगे तो हाथ कांपेगा। आंख बंद करके कर दो। ये मेरा पहला ऑटोग्राफ है, इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। आप मुझे थैंक्स मत कहो बाबू, वो जो बुरके में लड़की है ना, उसने मंगवाया था। ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या? हेलो हेलो, रुको, कहाँ भाग रही हो? वैसे अच्छा भाग लेती हो, मेरे साथ भागोगी? अरे सुनो, अरे रुको, हेलो, अरे बात तो सुनो। ए, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या? ओए, सुन लो, अपना ऑटोग्राफ दो और मेरा किया हुआ ऑटोग्राफ ले जाओ, ठीक है? ऑटोग्राफ एक्सचेंज कर लेते हैं। कहाँ छुपी हो? देखो ये तुम गलत कर रही हो। हाँ हेलो, अरे कहाँ हो? सामने तो आओ। ए, मेरा ऑटोग्राफ जैसे छीना है ना, वैसे ही तुम्हारा दिल एक दिन मैं छीनूंगा। क्या बात है? अब नहीं सर, वो ऑटोग्राफ। क्या प्यार हो गया? अरे नहीं सर, वो तो बस बात करने का मन किया तो उसके पीछे भागने लगा, और कुछ नहीं सर। प्यार हो जाए तो बता देना, मैं बात करूंगा, ठीक है ना? अरे सर, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा पीछा क्या करे, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ढूंढा करे, और वो आए तो मैं छुप जाऊं, फिर मैं उससे पकड़े भी जाऊं। शायद इसे ही प्यार कहते हैं, शायद मैं पागल हो गई हूं। तुमने तो उसे कल ही देखा था ना? अच्छा, कितनी भोली दिखती हो, लेकिन कहना पड़ेगा कि तुम बहुत फास्ट हो। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि प्यार में पड़ने के लिए इंतजार करना चाहिए? प्यार हो जाने में वक्त नहीं लगता। ये सब कब सीखा तुमने? 2 दिन पहले। तो उसे बता क्यों नहीं देती? देर किस बात की है? ऐसे ही अच्छा है, यही रहने दो। इस उम्र में हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर एक उम्र के बाद कुछ भी मायने नहीं रखता। उस वक्त तो हम सिर्फ यादों से प्यार करते हैं, और यादें वो तो जितनी हो उतनी कम। नजीरा, तुम मुस्लिम हो और वो लोग हिंदू, ये गलत नहीं है? प्यार तो हर मजहब में एक जैसा ही होता है ना। राम, तुम्हारी चॉइस बहुत बढ़िया है, मेड फॉर ईच अदर। बातें सब करते हैं, मिलन कराने वाला कोई नहीं है। ए, सर को सॉरी बोलो, तमीज से बात करो। नहीं बोलूंगी, इन्हें हमें तुम्हारे लिए खरीदने को बोलो, तब मैं थैंक्स बोलूंगी। खरीद लेते, पर इनके पास उतने पैसे नहीं है। अरे बुद्धू, इन्हें अभी अभी सैलरी मिली है, जेब में रखी है। अच्छा, क्या वो तुमसे बात कर रहा है? आपको बुरा भला भी बोल रही है, उससे मैं कह रही है कि आप खरीद के क्यों नहीं देते, जबकि जेब में पूरी की पूरी सैलरी रखी हुई है। ये सब तुम्हें स्पाइक्स ने बताया? और क्या, आप भी पूछ के देख लीजिए। मैं? अरे राजा, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे ये कितने के? मैं खरीद के दूंगा, कम ऑन। सच में? सच में। ये पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा, परफेक्टली डिजाइन स्पाइक सर, वेरी लाइट वेट। एक फॉरेनर ने इन्हें अपने लिए बनवाया था, लेकिन वो अब तक आया ही नहीं, 1 साल हो गया सर। इन जूतों की किस्मत में यही लड़का है। पैक कर दीजिए। कितना हुआ? सिर्फ 6,000 सर। 6,000? या 6,000। सॉरी राम, Oh,
क्या पीटी साहब? हाँ इस्माइल भाई, बहुत दिन के बाद, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। बादाम दूध ले लो भाई। राजा पियो, बादाम दूध है, अच्छा होता है, ताकत मिलेगी, तुम और तेज भागोगे। इस्माइल भाई सुनना जरा, ये मेरा स्टूडेंट राजा राम, स्टेट एथलेटिक्स मीट 100 मीटर्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, मैंने ट्रेंड किया है, ये देखो पेपर में भी आया है, देखो। क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब, ये फोटो इससे मैच ही नहीं हो रही। अरे यही है भाई, छोटा सा फोटो छापा है, एक बार इसे नेशनल जीते दो, फिर देखना अखबार में। पता नहीं पीटी साहब, पिछली बार भी आप ऐसे ही लड़के को लेकर आए थे, बोले ये कुछ बड़ा करेगा और आपने उसे सूट बूट और ना जाने क्या क्या दिला दिया। अरे मेडल तो भूल जाइए, उसमें डालने वाली बेल्ट भी नहीं लाया। इस्माइल भाई वो सब उसने अपने पैसों से खरीदा था, इसके पास अगर राजा सैलरी में से TADA काटने के बाद मेरे पास 3,300 ही बचते हैं। मेरे घर का किराया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए इंटरेस्ट का, 1,000 रुपए घर का सामान, चिट फंड के 1,000 रुपए, इसमें से 700 रुपए वैसे ही हर महीने कम पड़ते हैं। स्पाइक्स पे सब पैसे खर्च कर दूंगा तो। अरे सर आप चिंता मत कीजिए, स्पाइक नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पैर है ना, स्पाइक से कम थोड़ी है। सॉरी सर, मैं मैनेज कर लूंगा, ये पैसे तुम अपने पास रखो। मैं नहीं ले सकता सर, सर सॉरी सर, सर मैं पैसे नहीं ले सकता पैसे। मैं तुम्हारा कोच हूँ, तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे बस गोल्ड मेडल ला कर दो। इस्माइल भाई ये रोज यहाँ पर आएगा, बादाम दूध देते रहना, मेरे खाते में लिख लेना। यहाँ अपने लोगों का खाता नहीं चलता है भाई। ओए राम, ये तेरी ही दुकान है भाई। रामू बस बहुत हो गया। क्या हुआ माँ? इतनी बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। आओ। क्या हुआ माँ? बारिश में क्या कर रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ठीक है अब अंदर आ जाओ, आज का दिन मेरा दिन है माँ, राजा राम डे। ठीक है अब अंदर आओ। वैसे इस खुशी की वजह क्या है माँ? आज कॉलेज में मेरा सत्कार किया गया माँ, पीटी सर ने स्पाइस खरीदने के लिए 1,000 रुपए भी दिए, और इससे बड़ी भी एक बात है, मैंने अपनी लाइफ का पहला ऑटोग्राफ दिया माँ। और पता है किसे? बताया था ना एक बुरके वाली लड़की है, उसी को दिया। अच्छा तो बात इतनी बढ़ गई है क्या माँ? तुम भी, उसने मांगा तो दे दिया, आंखों से दिया। हो भी सकता है, आंखें कितना कुछ कहती हैं, आंखें बातें करती हैं, सवाल पूछती हैं, डांटती हैं, यहां तक कि मारती भी हैं। और माँ झगड़ा भी करती हैं। ए, एक बात सच बता, तुझे उससे प्यार है ना? अरे नहीं माँ। वैसे मुझे पता है तू उसे पसंद करता है। कैसी बातें कर रही हो, अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहती हो? वैसे प्यार करने में क्या गुनाह है, वैसे भी प्यार का एहसास बहुत अच्छा होता है बेटा। मेरी म्यूजिक क्लास में एक मुस्लिम लड़की गाना सीखने आती है, तो उससे उर्दू सीख ले, बहुत फायदा होगा। टीचर ये देखो आ गई। आ गई बेटा। टीचर मेरे बेटे को तुम उर्दू सिखाओगी? राम जाके कपड़े बदलो, जाओ। बुरा मत मानना बेटा, ये ऐसा ही है। आओ बताना वो बिना कपड़ों के कैसा लगता है। तुझे क्यों जानना है? हाँ अरे मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तो तुम्हारे लिए पूछ रही थी। अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, खूब मटन खाया है ना, अब तो बस वही बनाएगा तेरी बिरयानी। हाँ क्यों नहीं, मैं बिरयानी बनाऊंगी और वो लेमन राइस बनाएगा, दोनों को मिक्स करके खाएंगे, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे क्यों चाहिए होगा, ये तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों ही मिलकर खाओ। वैसे तुमने उसे अपनी भाषा सिखाई? उसने कुछ पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। क्या कहा उसने? मुझे नहीं पता था आंखों से बात कैसे करते हैं, जब तक तुम्हारी आंखों में नहीं देखा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी है, मुझे पता नहीं था कि मैं भी बेचैन हो सकता हूं, जब तक तुम्हें नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि दिल के बिना जी नहीं सकते हैं, जब तक उसे तुमने नहीं छुराया। आई लव यू। हेलो, अरे ये सब उर्दू में सिखाओ ना।
ये सब तुम मुझसे कह रहे हो? अरे मैं तुमसे क्यों कहूंगा, मैं तो अपनी शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, तुम सिर्फ ट्रांसलेट करो। शॉर्ट स्टोरी? हाँ। तुम मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी हाइट क्यों? तुमने शॉर्ट स्टोरी कहा ना, तुमने मुझसे कहा ना। अरे यार मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूंगा, मेरी शॉर्ट स्टोरी तो मेरे कॉलेज में है, उसके लिए। जो वो मुझसे कहना चाहता है मैंने उसे वही बताया। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बाहर आकर खुद को ही देख रही हूँ। तो तूने उसे बताया क्या? टॉपिक चेंज करके कुछ और ही बात की। बेचारा लड़का। क्यों क्या हुआ? वो मुझसे बोलना चाहता है ना, तो बोलने दो। मीनिंग थोड़ी मुश्किल है पर फीलिंग इम्पोर्टेंट। उल्फते मोहब्बत का वो भी क्या मंजर था, एक कशिश एक कसक सी थी दिल में और धड़कने बढ़ गई। और अरे रामू बेटा, यहाँ अकेले बैठ के क्यों मुस्कुरा रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, मैं अपनी फीलिंग्स को उर्दू में लिख रहा था, जैसे शेर व शायरी होती है। शायरी? हाँ। तुझे मेरी भाषा आती है क्या? नहीं, सीख रहा हूँ भाई। अरे रामू बेटा, कहीं तुझे हमारी धर्म की लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? क्यों, गलत होगा? बिल्कुल नहीं भाई, बीवी मतलब घर की मालकिन। हमारे यहाँ की लड़की तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी तो हमें तो खुशी होगी ना। अरे तुम निकाह करो, बस एक डाउट है, क्या तुम्हारे धर्म की लड़की हमारे यहाँ शादी कर सकती है? इस्माइल भाई, जिस दिन मुझे बेटी होगी ना, वो तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी, ठीक है? ओए वाह 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 वाह, चलो शायरी शुरू करो। तेरी नजरें हैं दवाखाना, तेरी प्यारी प्यारी सी मुस्कान है पैखाना, तेरे आंसू है गुसल खाना, मेरी प्यार की आतिश को है तुझे खुजाना। अगर तुझे मेरी दीवानगी है पसंद, तो बना ले मुझे अपना गुलकंद और चुम्मा दे दे जुम्मा को। मजा आया इस्माइल भाई? मैं तुझे काटना चाहता हूँ, मैं तुझे नोचना और मारना चाहता हूँ, तुझे रोते हुए देखना चाहता हूँ, तेरे साथ रोना चाहता हूँ। अगर मेरा पागलपन पसंद आया, अगर मेरे जुनून पर विश्वास है, तो आजा मिलकर प्यार करेंगे, आजा। यही कहना था? गलत है क्या? हाँ। तुझे उसका प्यार पागलपन लगता है क्या? अगर पागलपन ना हो तो वो प्यार नहीं होता। जब वो कहेगा तब तुम क्या करोगी? थोड़ा हंसूंगी, थोड़ा नखरे दिखाऊंगी। सैडिज्म। प्यार में थोड़ी सी जलन भी होनी चाहिए। प्यार में अगर हम आंसू बहाएं तो दर्द होता है, कोई और हमारे लिए आंसू बहाए तो प्यार होता है। हेलो। हे, वो आ गया। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नहीं पता था कि खामोशी भी सुनाई देती है, जब तक हमने आपकी आंखों की खामोशी नहीं सुनी। नहीं पता था कि डिस्टर्बेंस भी जरूरी है, जब तक आपके डिस्टर्बेंस ने हमें जगा ना दिया। नहीं पता था कि जान के बगैर भी हम जी सकते हैं, आपने हमारी जान ले ली फिर भी हम जी रहे हैं। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का, इंतजार करूंगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। टीचर, 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 आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने बताया? नहीं बताएगा क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? Just for fun. उसके साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? उसे सॉरी बोल दूं क्या? वो सॉरी क्यों सुनना चाहेगा? अगर वो लड़की इससे प्यार करती है तो राजाराम को तब परेशान नहीं होना चाहिए। क्या तुम भी किसी से प्यार करती हो और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है?
प्यार मुझसे मतलब? वो लड़की उससे आई लव यू कह दे, बस यही चाहता है वो। उसने तुमसे मदद मांगी और तुमने ये किया? अच्छा, ओहो, इसीलिए डॉक्टर से कोई भी बीमारी और टीचर से कोई भी डिटेल नहीं छुपानी चाहिए। वैसे प्यार किसी भी भाषा में हो समझ आ ही जाता है, शायद ऐसा हो चुका है। वैसे आपका बेटा कहाँ है? उसे कुछ पसंद आ जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे अभी वो शूज चाहिए, वो 6,000 के हैं फिर भी उसे वही चाहिए। वो अपने जीते हुए सारे मेडल लेकर चला गया है, मेरी भी नहीं सुनी। पैरों में पहनने वाले स्पाइक्स को अगर वो इतना प्यार करता है तो दिल में रहने वाली लड़की को कितना प्यार देगा? मेडल्स तो क्या, अपनी जान दे देगा। राम, प्लीज राम, हमें बचाओ राम। उसे मत बेचो सर, वो जूते मर जाएंगे सर। ए मोटे, तेरे पैर बहुत बड़े, छोड़ हमें। प्लीज सर, उसे मत बेचो सर। दर्द हो रहा है मुझे, मानेगा नहीं मोटा। सर ऐसा मत करो, छोड़। अच्छा, ये लो पैसे रखो और मेरे मेडल्स भी रख लो प्लीज। अरे लेकिन सोलापुर फुटवेयर में तुम्हें सोलापुर मिलेगा क्या? ये गोल्ड मेडल्स हैं, असली का गोल्ड नहीं है, सिर्फ शो है। मैंने आपको बेच नहीं रहा हूँ सर, गिरवी रख रहा हूँ, पैसे आते ही वापस ले लूंगा। जूते की दुकान से उधार लेने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सर नेशनल्स शुरू होने वाले हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो करो ना, इसमें मैं क्या करूं? ये मेडल्स मेरे किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ मेडल नहीं है, मेरी जिंदगी है। बाबू तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे काम की और किसी की नहीं है, इस दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है। जाओ बाबू, लो ये पकड़ो, जाओ। भाई साहब ये स्पाइक्स तो छोटे। सर प्लीज मुझ पे ये एहसान कर दीजिए। राम अब जाओ, एक मिनट इधर आओ। जी बोलिए। ये 6,000 तुम्हारे शूज के लिए। लेकिन आप? मैंने नहीं दिए, उसने दिए हैं, लो ना। उसने खुद आगे क्यों नहीं दिए? नजीरा तुम खुद ही आकर दे दो। मैं अनजान लोगों से एहसान नहीं लेता हूं, पहले अपना चेहरा दिखाओ। तो रखो अपने पैसे। मैं दूंगी तो चलेगा क्या? नहीं, इसी के हाथ से लूंगा, लेकिन चेहरा देखने के बाद। वैसे भी अपने मेडल्स गिरवी रखने वाले थे ना, तो इसी को दे दो। आंखें तो बहुत बोलती हैं, जबान क्यों नहीं चलती? गूंगी हो क्या? ओए, सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? कब तक इंतजार करूं? वो शूज ही तुम्हारा जवाब है। इसका मतलब दिल दे दिया मुझे? दो घड़ी बात तो कर लो। राम। हाँ? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे कुछ कहना है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, तुम खुद ही ढूंढ लो। ये तो बताओ उसे ढूंढू कहाँ? क्या है यहाँ पर? तुम मेरा इंतजार कर रही हो और मुझे ही दौड़ा रही हो? ओ यार, मैं तो इंतजार के पल सुहाने लगता है ना। भले ही तुम मुझे कभी कभी दिखती हो, लेकिन तुम मेरी आंखों में हमेशा रहती हो। तुम कुछ कहना चाहती थी, कहो। तुम्हारे मुंह से वो सुनने के लिए मेरे दिल की धड़कन रुकी हुई है। क्या हुआ? आई लव यू कहना? लव लेटर का आइडिया अच्छा है। तुम नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए बेटा, मैं जानता था तुम सेलेक्ट हो गए। नेशनल स्टूडेंट राजाराम मेरा स्टूडेंट है, मैं गर्व से कह सकता हूँ। नो डाउट सफलता तुम्हारे पैर चूमेगी। भागो बेटा, जस्ट डू इट। थैंक्स।
थैंक्स नजीरा। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं और जीत भी रहा हूं। मेरी लाइफ का सबसे पहला ऑटोग्राफ तुमने मुझसे मांगा, तुमने मेरे लिए मेरे फेवरेट स्पाइक्स भी खरीद के दिए। मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया हूं ये तुमने पहले बताया। मेरी हर रेस के मोड़ पर तुम ही खड़ी मिलती हो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, तुम्हारे दिल में किस कदर बसा हूं वो भी देखना चाहता हूं। अब मुझसे और आने जाने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये चीटिंग है। सुनो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाए बिना जा नहीं सकती। मैं देखकर ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सुन, मैंने सब पैक कर दिया, तुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं। बाहर से खाना मत खाना, तबीयत खराब होगी। दिल्ली से मैंने तुझे कुछ लाने के लिए कहा है, याद है ना? हाँ मुझे याद है माँ। तो बता क्या है। गोल्ड मेडल चाहिए ना, ले आऊंगा। मुझे पता है तू लेकर आएगा। आप समझ में आया इसकी जीत के पीछे राज क्या है? माँ कुछ लाने के लिए कहे तो बेटा कभी नहीं भूलता। ए, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये फील्ड तुम्हारी है, मेहनत तुम्हारी और जिंदगी भी तुम्हारी है। इसे किसी और के लिए मत जीना। हार का डटकर सामना करना, वो तुम्हें जीत तक ले जाएगी। चलो अब जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। ए, माँ का ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना। नजीरा को ढूंढ रहे हो? मुझे सब पता है, तुम्हें फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें सी ऑफ करने आएंगे, लेकिन जो तुम्हें जीते हुए देखना चाहते हैं वो तुम्हारा वेलकम करने के लिए आएंगे। और सिर्फ एक ही नहीं, हजारों लोग आएंगे। ऑल द बेस्ट। माँ दवाई टाइम पर लेती रहना। रख लो। अरे सर, नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज, देख। गाना रख लो, काम आएंगे। जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें सी ऑफ करने आएंगे, लेकिन जो तुम्हें जीते हुए देखना चाहते हैं वो तुम्हारा वेलकम करने के लिए आएंगे। नजीरा हो या खानुम, या नजीरा खानुम, वाली है जिसके लिए हर खिलाड़ी ने पिछले कई महीनों से कड़ी मेहनत करके अपने आप को तैयार किया है, इसलिए हर खिलाड़ी जीत के लिए जी जान लगाने को तैयार है। तो देखते हैं किसके हाथ लगती है कामयाबी।
आज आप होते तो कितना खुश होते। राजा राम ने नेशनल गोल्ड मेडल जीत के मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। टीचर, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो स्टूल ले लो। सारा काम तो मैं ही किए जा रही हूँ, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? और आप कहती हैं कि आपको अच्छी बहू चाहिए, आप उसके साथ भी ऐसे ही करेंगी? अगर आप वहां इंतजार नहीं करेंगी तो आपका बेटा नहीं आएगा? एक माँ हो, इंतजार तो करूंगी। तुम ये नहीं समझोगी, जब वो नेशनल मेडल जीत कर आएगा ना, मैं उसे बादाम का हलवा खिलाऊंगी। मुझे तो बनाना आता नहीं, पड़ोस की एक लड़की को बुलाया है। चिंता मत कीजिए टीचर, बादाम का हलवा मैं बना दूंगी। तुम्हें आता है? बहुत अच्छी तरह। आइए। टीचर। हाँ? आपको अपने लिए एक बहू चाहिए ना, तो अपने बेटे का निकाह मेरे साथ करवा दीजिए। जल्दी बनाओ, आता ही होगा। टीचर, जब राम घर आएगा तो वो आपको कुछ बताएगा, मैं वो सुनना चाहती हूँ कि वो क्या कह रहा है। नजीरा, अपना काम करो। नजीरा खानुम, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? माँ, मेडल लेकर मैं दुकान वाले के पास गया, वो माना नहीं। अचानक वहां नजीरा आ गई, उसने मेरे मेडल्स ले लिए और मुझे जूते दिलाए, ये उसने बताया। नजीरा वहां कैसे पहुंच गई? मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताया था। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने तुमसे कहा दोस्त की मदद करोगी, ये सोचकर उसने तुमसे उर्दू सीखी, पर तुमने तो कुछ और ही सिखा दिया। मुझे तो तभी शक हो गया था, पर जूतों की बात पर कन्फर्म हो गया। अरे कहाँ जा रही हो? जब वो आएगा तो मुझे मेडल पहनाएगा और मैं उसे अपनी बहू दूंगी। इन आंखों को देखो, दो गोल्ड मेडल जैसी ही तो है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, समझी? वीर बहादुर लड़का कौन? इसकी नजर, उसकी नजर, माँ की नजर, सबकी नजर, बुरी नजर से भगवान तुझे बचाए। थू थू थू। मेडल कहाँ है? ये मेडल मेरा नहीं, तुम्हारा है माँ। तुम नहीं होती तो मैं नहीं होता। मेरा बादाम का हलवा तेरे कमरे में रखा है। कमरे में? अंदर चल, जल्दी आ। नजीरा कहूं या खानुम, या नजीरा खानुम, मेरी माँ का बनाया बादाम का हलवा तुम ही हो ना। नजीरा, तुम्हारे चाचा तुम्हें अर्जेंटली घर बुला रहे हैं। ओए, फिर कब मिलोगी? फिर कब मिलोगी? अच्छा 1 बजे पर, कहां पर?
तू यहाँ पर क्या कर रहा है? घर चल। अरे यार नजीरा आने वाली है। वो नहीं आएगी, चल। वो आएगी तू जाना। चल ना यार। अरे अगर वो नहीं आई तो ये उसकी गलती होगी, उसके आने का इंतजार नहीं किया तो मेरी गलती होगी। तू जा यहाँ से। अरे माँ ने बुलाया, हमें कहीं जाना है। तो माँ को बोलना, वो समझ जाएंगी। उन्हें बोल वेट करें, लड़कियां ज्यादा इंतजार नहीं करती। अरे अब तेरी मां नहीं रही। की वजह क्या है माँ? आज कॉलेज में मेरा सत्कार किया गया माँ। पैर में कितनी चोट लगी है, शूज पहनकर नहीं भाग सकता था। तेरे पापा मेरा मंगलसूत्र ले गए, तू मेरे लिए गोल्ड मेडल ले आ, वो गले में पहनूंगी। अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली देना बहुत आसान होता है, पर जिस पर बीतती है वही जानता है। तुम इस दर्द को नहीं समझ पाओगे। मेरी जिंदगी की 3 लव स्टोरीज थी। मैं मां से प्यार करता था, रनिंग से प्यार करता था, और एक लड़की से प्यार करता था। पर पास सिर्फ रह गई रनिंग। माँ और वो लड़की एक साथ दोनों चले गए। शायद मेरी किस्मत में हार और जीत एक साथ लिखी हुई है। सॉरी राम, शायद हम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अलग ही नहीं हुए, तो हमें इस दर्द का एहसास भी नहीं है। डोंट वरी राम, तुम हमारे लिए विनर ही हो। मैं सबके लिए विनर हूँ, पर खुद के लिए एक रनर ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, वैसे नजीरा का क्या हुआ, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, ये लेटर उसकी आखिरी निशानी है। Everyone is waiting for you. Hello, ma'am. Good evening. Hello, ma'am. Hello. Hi. Friends, we have number one group of Malaysia. Nasir Group of Industries is not my alone.
because of you, my team. So I thank you. And I announce a bonus of 6 months' salary. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So enjoy your night. I'll see you tomorrow at work. Okay. तुम्हें जो भी सही लगे तुम वो ही करो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए जरूरी है। महक, महक, मॉम आप क्यों लेके आए? मॉम ये क्या है, मुझे कॉफी चाहिए थी। हैंगओवर है ना, कॉफी से ज्यादा जूस काम करेगा, पी लो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मॉम। रात भर तुमने एंजॉय किया था, वॉज दैट नॉट इनफ? हु इज दिस? माय बीएफ। BF? What do you mean? BF मतलब? क्या लगता है आपको मॉम? Boyfriend? Oh. और ये लड़का? आपको अपनी बेटी की जासूसी नहीं करवानी चाहिए मॉम, ये गलत बात है। किसी भी बेटी की जिंदगी इतनी स्पाइसी नहीं होनी चाहिए। And I care about you, Mehak. I'm concerned. I'm not spying. ये जॉन है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एक्स कैसे बना? बस कनेक्शन नहीं बना। ऐसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बना? मॉम क्या आप मेरी दोस्त बनकर मुझसे बात कर सकती हैं प्लीज? बॉयफ्रेंड बनाने के लिए फिजिकल लुक्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आगे कंटिन्यू करना है तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, नहीं तो ब्रेकअप। ब्रेकअप? और अभी वाले का क्या? समीर बहुत स्मार्ट है मॉम, केमिस्ट्री अच्छी है। अभी तो सिर्फ एक दो बार ही मिली हूँ। हाँ पर तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, थोड़े दिन बाद क्या एक और ब्रेकअप, एक और बॉयफ्रेंड, यही है ना? कनेक्शन नहीं हुआ तो बोरिंग हो जाता है मॉम, समझा करो ना। हम इंडिया जा रहे हैं, यू आर डूइंग योर मेडिसिन देयर। इंडिया? लेकिन क्यों? यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है क्या? क्योंकि सच्चा प्यार करने वाले लोग आजकल के जमाने में सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, तुम्हें उस प्यार के बारे में पता होना चाहिए। कम ऑन मॉम, प्यार हर जगह एक सा होता है। प्यार का मतलब कॉलम्स लॉ, it's an attraction between positive and negative, that's it, it's all about sex mom। ye sirf lust hai, pyar nahi hota। to phir sex kya hai mom? it is an ultimate expression of love, it's divine। ek aurat ka ek aadmi ke liye aur ek aadmi ka ek aurat ke liye, jisse hum express nahi kar sakte ye wahi hai। hum jisse pyar karte hain sirf usi ke sath karte hain, us ehsaas ko mehsoos karne ke liye pyar hona chahiye। तुम समझ पाती है कि तुम्हें सच्चा प्यार होता, लेकिन तुम तो लॉ में पड़ी हुई हो। इंडिया चलो और देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। मतलब इंडिया में एक्स बॉयफ्रेंड नहीं होते ना? यहाँ का कल्चर फॉलो करोगी तो कहीं भी मिल जाएंगे, वहाँ का फॉलो करोगी तो कहीं नहीं। तो फिर आपका कैसे बना राजा राम आपका एक्स बॉयफ्रेंड? शट अप, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। He's my life and I'm his autograph। अगर आपका प्यार इतना महान होता तो आज आप यहाँ नहीं होती और आप कभी मेरी मॉम भी नहीं बनती। उस कॉल ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी।
क्या हुआ चाचा, आपने इतना अर्जेंट बुलाया? आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हमें फौरन मलेशिया निकलना होगा। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस बाकी हैं। अगले महीने तो एग्जाम्स भी हैं। मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती। नजीरा, हमें फौरन निकलना होगा। चाची, ये सब क्या है? तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कैसे? ये कब हुआ? अबू अब कैसे हैं? Is he fine? फ्लाइट का टाइम हो रहा है बेटा, हम रास्ते में भी बात कर सकते हैं। नजीरा प्लीज जल्दी करो। हेलो, म्यूजिक टीचर पार्वती जी के बेटे राजा राम को बुला दीजिएगा प्लीज। मैं नजीरा बात कर रही हूँ। आप 5 मिनट बाद कॉल कीजिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। नजीरा, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे बेटा। प्लीज बेटा चलो जल्दी करो। प्लीज बेटा, बेटा प्लीज बेटा, अगर हम रुके तो सिर्फ फ्लाइट ही नहीं तुम्हारे अब्बू को भी खो देंगे। प्लीज मेरी बात मानो। नजीरा कैसी हो बेटी? अबू कहाँ पर है? वो अंदर है। आप जब ठीक समझे तभी आना। नहीं 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 नहीं, हम सही टाइम पर आएंगे, हमारे लिए प्लीज वेट मत करना। शुक्रिया सर। यस आई अंडरस्टैंड। ओह दिस इज माय डॉटर नजीरा खानम। हेलो बेटी। इंडिया में पढ़ाई करती है? अच्छा, फिर मिलेंगे फाजिल साहब। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ बेटी, कैसी हो तुम? क्या नजीरा, इतनी दुबली हो गई? इंडिया में कुछ खाती हैं या नहीं? अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कॉफी लेंगी या चाय? अब्बा जान को झूठ बोलना आता है ना? मैंने झूठ बोला? आपको मेरा रोना पसंद नहीं है ना? हाँ। तो फिर मुझे रुलाया क्यों? अरे तुम्हारे चाचा ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? Can't you see me in full shape? I'm hale and healthy. ये सब छोड़ो, इंडिया में सब कैसा है? सब कुछ वैसा ही है, चाहे जैसा भी दिखता है पर वहां रहना अच्छा लगता है। That's a good feeling. Studies? Interesting. Friends? Interesting. राजा राम? Interesting. चाचा भी नहीं जानते तो आपको कैसे? मुझे सब पता है, मैं तुम्हारा अबू हूं। तुम्हें पसंद है वो? वो किसी को भी पसंद आ जाएगा, आपको भी। और नहीं आया तो? अगर आप उसे पसंद नहीं आए तो मैं आपको छोड़ दूंगी क्या? प्यार करती हूँ अबू। नजीरा, जिद में और मोहब्बत में बिल्कुल आप पर गई है।
तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है, इन्हें लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अपने अब्बू के लिए उसे छोड़ नहीं सकती। मुश्किल है, जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। छोड़ सकती हो उसे? अब्बू के लिए या इज्जत के लिए? इज्जत के लिए। नजीरा, इंडिया में पैदा होने वाले हर इंसान में आत्मसम्मान होता है, धार्मिक सहनशीलता। एक इंसान सोचता है कि उसमें यह नहीं है, लेकिन ऐसा वहां पर कोई भी नहीं है। आई एम ऑल्सो एन इंडियन। एक मामूली बेरोजगार इंसान इस देश में आया था, मैं फाजिल, और आज मैं हूं सुल्तान फाजिल हुसैन। मेरी प्रॉपर्टी की कीमत कई बिलियन रिंगिट्स है। आज मैं जहां हूं वहां तक मैं अपने अच्छे स्वभाव से नहीं पहुंचा, एकता के भाव से पहुंचा हूं। आज जितने भी बड़े लोग हैं सोसाइटी के, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान मानते हैं। नजीरा, तुमने रामायण पढ़ी है क्या? भगवान राम ने मां सीता का त्याग कर दिया था, शक की वजह से नहीं, वो एक समाज के प्रतिनिधि थे, इसलिए उन पर समाज की जिम्मेदारी थी। नजीरा, मैं चाहता हूं कि तुम उसे भूल जाओ, बस इतना ही। अब्बू, बचपन से ही आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं गलती भी करती तो आप मुझे माफ कर देते, तो मैं समझदार बन गई। लेकिन अब आप मुझे गलत करने को कह रहे हैं। जब मैं इंडिया में पढ़ना चाहती थी तभी मना कर देते, शायद मैं मान जाती। लेकिन ये क्या है अबू? अबू, अगर मैं आपकी मर्जी से निकाह करती हूँ तो वो इंसान जिससे मैं प्यार नहीं करती, मुझे उसके साथ रहना होगा। क्या आपको ये मंजूर है? नहीं बेटे, नहीं। मुझे लगा कि इस सोसाइटी के सामने मेरा सिर झुक जाएगा। ये सब छोड़ बेटी, इसे मैं अपनी तकदीर मान लूंगा। तुम्हें जो भी सही लगे तुम वो ही करो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए जरूरी है, समझी? I love you. नजीरा, अब्बा जान से कोई इस तरह से बात करता है? जाओ जाकर सॉरी बोलो। अब्बू को ये सही लग रहा है, क्या आपको भी ये सही लग रहा है? बेटा, तुम अपने अब्बू को जानती नहीं हो। वो यही कहते हैं, वो कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी पसंद मान लेनी चाहिए, क्या मेरी कोई पसंद नहीं? भाईजान, बस दो दिन और फिर चले जाएंगे। प्रॉपर्टी को इंडिया शिफ्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होंगी ताकि यहाँ आने का कोई बहाना ना हो। उसके पेरेंट्स से भी बात करूंगी। निकाह कहो, शादी कहो, जो तुम चाहो, तुम्हारी खुशी जरूरी है। अब हम वहां आ रहे हैं, राजा राम ये जानते हैं? अम्मी, एक पेपर और पेन देना। फाइनेंशियल मैटर्स में मैंने कभी दखलअंदाजी नहीं की। वो अगर कुछ बताना चाहते तब भी मैं मना कर देती। इस दिन के बारे में किसने सोचा था? तुम्हारे चाचा और चाची यहीं रहेंगे, उन्हें इंडिया में रहना कभी पसंद नहीं था, लेकिन तुम पढ़ने जाना चाहती थी इसलिए मना नहीं कर पाए।
एनीवेज, उनका एहसान तो हमने चुका दिया, हम लोग भी चले जाएंगे। अम्मी ये लेटर चाचा को दे दीजिए। मुस्तफा इसे पढ़ लीजिएगा। नहीं, किसी और का खत पढ़ना अच्छी आदत नहीं होती। लेकिन बच्चों का लिखा हुआ माँ को पढ़ना चाहिए, गलतियां ठीक करने के लिए। राम की नजरों से मेरे अब्बू ने मुझे सब कुछ दिया, मैं भी उन्हें कुछ देना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं हमारे रिश्ते को यहीं पर रोक रही हूँ। अपने अम्मी अब्बू को देने के लिए मेरे पास इससे कीमती कुछ भी नहीं है। सॉरी, जब तक तुम्हें यह लेटर मिलेगा तब तक मेरा निकाह हो चुका होगा, तो मुझे भूल जाओ। तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की जरूर होगी, उससे शादी करना ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने मेरा असली चेहरा तो बस कुछ ही पलों के लिए देखा था। सोचना कि मैं तुम्हारी आंखों में सपने की तरह आई थी और फिर चली गई। नजीरा, ये सब क्या है? नजीरा, चाची को यहां लाने के लिए चाचा वहां पर जाएंगे ना, तो ये लेटर उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि वो राम को दे दे। मेरे बारे में कुछ मत कहिएगा, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये सब क्यों? जिसने मना किया था वो इंसान हमारे बीच नहीं है। अब्बू अगर जिंदा होते और मुझे मना करते तो मैं उनकी बात नहीं मानती, लेकिन वो मुझे ना कहकर छोड़ गए। अगर कोई जिंदगी की परवाह नहीं करता तो ठीक है, हमें मौत की इज्जत रखनी चाहिए, नहीं तो मैं आप लोगों की बेटी नहीं। अगर ये शादी हुई तो अब्बू के साथ बिताया हुआ हर पल मुझे तड़पाता रहेगा। अम्मी, मुझसे नहीं होगा, अब्बू से दूर रहकर अपने प्यार के साथ मैं रह सकती हूँ, पर अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे बख्श दीजिए। मैं दूसरा रिश्ता देखती हूँ। क्यों? मेरी शादी तो हो गई है राम के साथ। जितना मुझे पता है प्यार करने के लिए लोग शादी करते हैं, और अगर हम ऑलरेडी प्यार में हैं तो हमारी शादी भी हो गई ना, ये एक ही बात है। He's my husband। अब्बू को भुलाकर मैं राम के साथ नहीं रह सकती, राम को भुलाकर मैं किसी के साथ नहीं रह सकती। जाने दो अम्मी। एक बार फिर सोच लो नजीरा। अम्मी, मैं अब्बू से ज्यादा जिद्दी हूं, मैंने प्यार से हार मानी है तो जिंदगी से हार मानना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल प्यार के सामने जिंदगी क्या है, उसके सामने तो बहुत ही छोटी चीज है। याद रखना अम्मी। Thank you.
माई डॉटर, आई मेट यू एट अ पार्टी. आई थॉट योर मदर हैज गॉन अवे, बट नियर बाय लेडी सेड यू आर एन ऑर्फन. मुझे लगा मुझे तब तक तुम्हारा ख्याल रखना है जब तक तुम्हें कोई लेने नहीं आता. नहीं पता था कि एक परी मेरे हाथ छोड़कर कोई चला गया. कौन थी वो, क्या हुआ था? बहुत कोशिश हुई लेकिन पता नहीं लगा पाई. हर कोई चाहत से ही पैदा होता है, पर कुछ लोग बिना चाहत के पैदा होते हैं. जब ऊपर वाला आपसे कुछ छीनता है तो उसकी जगह कुछ और देता है. ऊपर वाले ने मुझसे सब कुछ ले लिया और मुझे माँ बनने की खुशी दे दी. प्यार, शादी और फैमिली, ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए होनी चाहिए. जो भी हमें दुख देता है उसे हमें छोड़ देना चाहिए. अगर आपने ऐसा किया होता तो आज आप खुश होती मॉम. आप दुख को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती हैं मॉम? दुख में हमारे आंसू ही साथ रहते महक, और वही प्यार है. मुझे मेरी गाड़ी बहुत पसंद है. खो गई तो मुझे दुख होगा, उसके बारे में सोच सोच कर रोती रहूंगी तो वो आपके लिए प्यार है, लेकिन मेरे लिए बेवकूफी है. मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके नई गाड़ी ले लूंगी. जो खो गया है उसे आसानी से भुला सकते हैं. बॉयफ्रेंड और हस्बैंड भी वैसे ही होने चाहिए. खो गया तो खरीद लो, नहीं पसंद आए तो एक्सचेंज कर लो. दैट इज लाइफ. एक दिल को खरीदना नामुमकिन है. एक बार अगर एक्सचेंज हो गया देन इट्स फॉरएवर. तुमने अपना दिल किसी को नहीं दिया इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा. ओह, मतलब राजा राम भी सब छोड़कर आपकी तरह रह रहा होगा. पर प्यार तो वो सिर्फ मुझसे ही करेंगे. उनकी लाइफ में कोई लड़की जरूर हो सकती है, लेकिन उनके दिल में हमेशा मैं ही रहूंगी. पर ये तो गलत बात है. ये गलती तो आप भी कर सकती थी. आपकी जिंदगी में भी कोई दूसरा आदमी हो सकता था. Shut up. मैंने उन्हें धोखा दिया है. उनसे झूठ कहा कि मेरी शादी तय हो गई. शादीशुदा लड़की से प्यार करना गलत है, इसलिए वो मुझे भूल जाएं और शादी कर लें. ये सब कुछ मैंने उन्हें लेटर में लिखा था. लेकिन आप भी तो एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हैं, ये भी गलत बात है ना? गलत है, 100% गलत है. दिल दे बैठना और किसी को भुलाना दोनों हमारे हाथ में नहीं है महक. जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी ना हो तो ये गलतियां बार बार होती हैं. इसलिए प्यार करने वालों को शादी जरूर करनी चाहिए. कूल मॉम, सिर्फ तुम ही ऐसा सोचती हो. वो ये गलती नहीं करेगा क्योंकि प्यार इतना महान नहीं होता कि किसी को ऐसी गलती करने पर मजबूर करे. वो तो आपको कब का भूल गया होगा. They are men, mom. They'll forget. और time, वो हमें सब कुछ भुला देता है. आप भी उसे भुला सकती थी, बस आपने ट्राई नहीं किया. प्यार होने के लिए सिर्फ एक ही पल काफी है महक, लेकिन प्यार को भुलाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है. मेरे राम मुझे कभी नहीं भूल सकते. अगर कभी उसने आपको देखा तो आप जाकर उसे याद दिला देना. आई एम सो एंड सो, मेरी आंखें देखकर तुम्हें प्यार हो गया था, मैं तुम्हारे घर म्यूजिक सीखती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, अगर उन्होंने मुझे बहुत दूर से भी देखा तो भी वो मुझे पहचान लेंगे. वो भूल जाएंगे कि वो शादीशुदा हैं और भागते हुए आएंगे और मुझे गले लगाएंगे. अगर ऐसी बात है तो इस बात पर शर्त लगाते हैं. मजाक में नहीं, सीरियसली कह रही हूँ. हम लोग इंडिया जाएंगे और राजा राम से मिलेंगे. अगर उसने आपको पहचान कर एक बार नजीरा भी कह दिया तो मैं आपका प्यार मान जाऊंगी. अगर आप चाहेंगे कि मैं इंडिया जाकर पढ़ाई करूं तो वो भी करूंगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वो आपको भूल चुका होगा तो खत्म, दैट्स इट. अगर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया या उसे पहचानने में अगर एक मिनट का भी वक्त लगा तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो प्यार नहीं था. आर यू गेम फॉर इट? मेरा दिल कहता है कि मैं ही जीतूंगी क्योंकि राम का दिल यहाँ है और राम को हारना नहीं आता. आज कौन सा खास त्योहार है? छोड़ो ना माँ, मुझे भूख लगी है. इतनी क्या जल्दी है? एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं. कॉलेज जाना है माँ. तो चले जाना. तुम बस जल्दी करो. अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मेरा जन्मदिन है. जन्माष्टमी के दिन तुम पैदा हुई थी, कितनी अच्छी बात है. ये लीजिए. नहीं बेटा. लेकिन क्यों? मिठाई मुझे पसंद है लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं. मीठा खाना मुझे मना है. इसे दे दो. हाँ.
अरे इसे विश तो करो। हैप्पी बर्थडे। सोच रही थी कि आप ही हैं या नहीं, लेकिन मैं समझ गई आप ही हैं। Can I join you? Thank you. आपको पता है आपकी रनिंग कितनी अच्छी है? रनिंग हमेशा अच्छी होती है। लेकिन आप यहाँ जॉगिंग क्यों कर रहे हैं? रनिंग क्यों नहीं कर रहे? ओह, आपकी उम्र हो गई ना? उम्र तो सबकी बढ़ती है और खत्म भी हो जाती है। ओह, तो आप मेरे साथ रेस लगाएंगे? ऐसे भी इस उम्र में आप भाग नहीं पाएंगे, सो एटलीस्ट द ग्रेट राजाराम मुझसे हार गए ये कह तो पाऊंगी। इसलिए वहाँ दूर जो पत्थर दिख रहा है ना, वहाँ तक भागना है। भागना तो मैं भी चाहता हूँ, पर काफी वक्त से भागा नहीं। चलो देखते हैं। मेरी तो उम्र हो गई है, अब क्या ख्याल है? आप तो मैं मान गई, आप ग्रेट हैं। भागना और जीना एक नहीं है नैंसी। भागते वक्त कुछ समझ नहीं आता, रुकने पर ही समझ में आता है। अच्छा सुनो ना, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो, मुझसे प्यार हो ही जाएगा। मेरी वाइफ को पूछ कर देखो, उसने हाँ कहा तो ठीक है। आपकी वाइफ बहुत सुंदर है क्या? सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। लव मैरिज है? प्यार में शायद शादी ना हो, लेकिन शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? है तो सही, पर पता नहीं क्यों मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। आप क्या कहते हैं? अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो। ये क्या है, ब्रेकअप करने के लिए कह रहे हो? मुझसे बड़े हो पर पूरे अपडेटेड हो। अगर ब्रेकअप करना चाहती हो तो वो प्यार नहीं है, क्योंकि सच्चे प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं होता। All the best. ज्यादा भले शादी और बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन तुम अब भी माँ हो, जवान लड़की नहीं। इतने सालों में मैं उन्हें पहली बार देखूंगी, मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? आप उसके दिल में हो, वो आपको पहचान लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहन के जाएं। चलो इसमें क्या है मॉम? मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन तुम पूछो मत, इट्स पर्सनल। बाप रे, अब तो आपके बड़े नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं मॉम। इस शहर से मेरी यादें जुड़ी हैं, मैं छोड़कर चली गई थी, अब मैं वापस आई हूँ तो यादें भी आई हैं। आप इतनी टेंशन में क्यों हैं मॉम? थोड़ा रिलैक्स कीजिए प्लीज। तुम नहीं समझोगी,
मैं भी एक लड़की ही हूँ। लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो। आप शर्त हार जाएंगी, मान लीजिए मेरी बात। अपनी जीत से तुम्हें खुशी मिलेगी। अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मैं मर जाऊंगी, और पहचान लिया तो जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें यह समझने के लिए ये जन्म कम पड़ेगा कि प्यार ही सब कुछ होता है। बेटी तुम्हें देखे बहुत साल हो गए। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक। राजा राम जी का घर यही पर था ना? अब वो लोग यहाँ नहीं, सीता मदार में रहते हैं। ठीक है काका, थैंक यू। ठीक है बेटी, ध्यान रखना। पार्वत अम्मा मैंशन, अपनी माँ का नाम रखा है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक भागी हुई लड़की घर वापस आ रही है। सही कहा, ये मेरा ही घर है। अंदर कोई और ही मिलेगा, देख लेना। राम, राजा राम वो तो नहीं है, किसी फंक्शन में गए हैं। विल यू प्लीज कम इन। आप बैठिए, वो आते ही होंगे। कॉफी चाय कुछ लेंगी आप? नहीं नहीं, we just had। कौन सा आप दोनों? मैं उनकी फ्रेंड हूँ, ओल्ड कॉलेज फ्रेंड। ओह, पार्क होटल में एक रिसेप्शन पर गए हैं, आते ही होंगे। आपका नाम? सुचित्रा। बहुत सुंदर है। थैंक यू। अच्छा, हम दोबारा आ जाएंगे, अभी जरूरी काम है। सर पूछेंगे तो उनसे क्या कहूँ? सर, आप? मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कुछ काम पेंडिंग रह गए थे तो वही करने आई हूँ। ओह, तो घर में कोई नहीं है क्या? सर की बेटी तो स्टूडियो गई है, रेडियो मिर्ची में आरजे है, आरजे पार्वती। और पार्वती की माँ कहाँ है? वो भी कहीं बाहर गई हैं, कहाँ गई हैं पता नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। घर के अंदर जाने से पहले आपने कहा था ये आपका घर है, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद आपने कहा कि आप उसकी कॉलेज फ्रेंड हैं। आप भी बदल गई हैं तो वो नहीं बदला होगा? अगर कोई बदल जाता है ना तो वो प्यार नहीं करता। राजा राम की माँ ने कहा था और मैंने छुप कर सुन लिया था। यही तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉम, आप हमेशा छुपती फिरती रही हैं। कभी बुरके के पीछे छुपती रही हैं तो कभी दरवाजे के पीछे। मेरे दिल में उसके लिए प्यार छुपा है। मॉम यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा, मेरी उम्र की बेटी है और आपकी उम्र की वाइफ, अब और क्या होगा? अब हम कहाँ जा रहे हैं? राम, वो जो वहां खड़े हैं, ओह, ये तो बहुत गुड लुकिंग है मॉम। किस चीज का इंतजार कर रही हैं?
चलो जल्दी, चलो चलो। कैसा है? अरे इस्माइल भाई कैसे हैं? आ जा। हमारे घर के निकाह में राम आए हैं, राजा राम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाहजहां के प्यार की निशानी है। मुमताज का नाम आज भी दुनिया में इसीलिए जिंदा है। प्यार तुम्हारी जिंदगी की ताकत बनेगा, इसलिए हमेशा प्यार बनाए रखना। पता है मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरी मंजिल हमेशा दूर रही है। जितना पास जाना चाहो उतनी ही दूर होती गई। एक रनर जो हूं। मॉम, ये लगता है आपके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए अपने बीच कभी भी दूरी को आने मत देना, ठीक है? ठीक है। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मुझे लगता है कि तुम हारने वाली हो। पहली बार हारूंगी, सोच के ही मजा आ रहा है। बेटी वो आ रहे हैं, देखो। अच्छा ठीक है अब्बू। इस्माइल भाई, अरे क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। ओ, तुम्हारा रुमाल। ए, ये एन का क्या मतलब है? ये रुमाल मेरा है। ये आपका है? थैंक यू। मुझे लगा खो गया। एक सिंपल रुमाल ही तो है। ये मेरी जान है। उस पर एन लिखा हुआ है, उसका मतलब? मतलब में क्या रखा है? ये रुमाल की क्या स्टोरी है अंकल? राजा राम भाई, इस रुमाल की कहानी मैं सुनाऊं क्या? मेरी कहानी है, मैं ही सुनाऊंगा। पता नहीं तकदीर भी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। पहले तो प्यार को तरसता रहा, उसकी एक झलक देखने को तड़पता रहा। न जाने कितने दिन कितने महीनों तक बस इसी आस में रहा कि एक दिन तो वो मुझे अपना चेहरा दिखाएगी। और जब चेहरा देखने का वक्त आया तो इतनी मुश्किलों ने घेर लिया कि कदम कदम पर सिर्फ मुश्किलें ही नजर आ रही थी। मुझे लगा था कि मैं नसीब वाला हूँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जिसे मेरी माँ भी पसंद करती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि माँ के जाने के बाद मेरा प्यार भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। आज तक उसी की यादों में जिंदगी जी रहा हूँ। अपना सपना तो कब का छोड़ देता अगर उसे मुझ पर यकीन नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके यकीन की वजह से ही हूँ। काश जो हुआ वो ना होता, काश हम साथ होते। वाओ मॉम, आपकी लव स्टोरी तो बहुत महान है। प्यार हमेशा महान होता है बेटा। वो अपने घर चले गए होंगे, अब हम भी चले वहां? मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके सामने नहीं आ सकती। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को साबित क्यों करूं? ये तुम्हारी मर्जी है, तुम यहां पढ़ो या कहीं और पढ़ो। देखा ना तुमने, उसने अब तक मेरे नाम का रुमाल संभाल कर रखा है। वो मुझे पहचानेगा नहीं, लड़की।
तुम्हारे लिए ये साबित करना हमारे प्यार का अपमान करना होगा। मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैक, मेरी एक हेल्प करोगी? बोलो मॉम। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो बेटा। मॉम, मुझे लाइफ में 3 बार प्यार हुआ है, लेकिन आपके जैसे 1 बार भी नहीं हुआ। उन 3ों में से 1 भी लड़का आपके राम जैसा नहीं था। 1 साल तक हमने डेट किया, ब्रेकअप के 1 साल के बाद वो फिर वापस आया। वो क्लीन शेव होकर आया और इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। पर आपने तो राम को इतने सालों बाद भी पहचान लिया। मेरा तो मन कर रहा है कि मुझे अभी प्यार हो जाए। अगर राम जैसा बॉयफ्रेंड मेरा होता तो मैं तो किसी की परवाह नहीं करती। आप इतना क्यों सोच रही हैं मॉम? प्लीज मॉम, एटलीस्ट 1 बार तो उससे मिल लीजिए। ओके, अगर उसने आपको नहीं पहचाना तो मैं यहीं पढ़ूंगी। दोबारा ऐसी बातें की तो थप्पड़ मारूंगी। मॉम प्लीज मॉम, पहले तो मुझे यही लगा था कि वो नहीं पहचानेंगे। मैं इस चैलेंज की वजह से नहीं कह रही हूँ मॉम, मैं चाहती हूँ आप उससे 1 बार तो मिले। महक, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। आप तो उसे गिफ्ट देने वाली थी ना मॉम। प्लीज मॉम, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनसे मिलने आई थी। मॉम, वो अब भी आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी वाइफ उसके साथ कैसे रह रही है? वो आपकी जगह पर है, आप उसे देखना नहीं चाहती? नो महक, मैं नहीं देख सकती। आई जस्ट कांट। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। पति के मन में अगर पत्नी ना हो तो घर जहन्नुम है। इट्स अ हेल। मेरी वजह से ही वो जहन्नुम में है। मैं नहीं देख सकती। ऐसा नहीं है मॉम। ड्राइवर वॉल्यूम बढ़ा दो प्लीज। क्या बात है, इसलिए आपको दिल का कवि कहा जाता है। और अब आप सबके लिए ये प्यारा सा गाना विथ लव, आरजे पार्वती साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं 98.3 एफएम, बहुत हॉट है गुरु। रेडियो मिर्ची का स्टूडियो किस जगह पर है? पास में ही है मैडम। वहाँ ले चलो। वहाँ क्यों? ये आरजे पार्वती राम की बेटी है। आपको कैसे पता? राम की माँ का नाम भी पार्वती था। शायद ये मेरी बेटी होती, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे देखना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, पार्वती? हाँ मैं ही हूँ। राजा राम की बेटी हो ना? हाँ, क्या बात है? मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, उनकी माँ से संगीत सीखा करती थी। ओह, आपका नाम क्या है? मुमताज। अच्छा, तो आप मुस्लिम हैं? मुस्लिम होना गलत बात है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे सारे दोस्त मुस्लिम हैं। मेरे पापा की एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी मुस्लिम थी। शायद आप उसे जानती हो? पता नहीं। उसने क्यों? उन्हें छोड़ दिया। तुम्हारी मम्मी को सब पता है क्या? उन्हें तो सब अच्छे से पता है, पर अब इन बातों का क्या फायदा? आप कुछ बोल रही थी। कुछ नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हारी आवाज तुम्हारी दादी की याद दिलाती है। बहुत सुंदर है तुम्हारी आवाज भी और तुम भी। थैंक यू मुमताज आंटी, आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं। ये आपकी बहन है? शी इज माय मॉम। यू लुक सो यंग, कोई मानेगा ही नहीं कि ये आपकी बेटी है। क्या तुम अपनी माँ पर गई हो? आपने बिल्कुल सही केस किया, मेरे पापा भी यही कहते हैं।
ओह ये देखिए मेरी माँ। मुझे क्यों चाहिए होगा, ये तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों ही मिलकर खाओ। हेलो बोलिए माँ। कहाँ हो तुम, मैं वेट कर रही हूँ। सॉरी माँ अभी मैं नहीं आ सकती, आप जाइए। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तुम्हें अपनी माँ से प्यार नहीं है। ओफो माँ मेरे पास अभी स्कूटी नहीं है, मैं पापा के साथ आऊंगी। अरे क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं। क्या हुआ मॉम? फ्लाइट का टाइम हो गया है, अब चलना चाहिए, चलते हैं बेटी। ये मैं तुम्हारे पापा के लिए लेकर आई थी, उन्हें दे देना। 5 मिनट रुकिए ना, पापा अभी आ जाएंगे, आप खुद ही दे दीजिएगा। टाइम नहीं है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, हम चलते हैं। ठीक है आंटी। चलो आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। क्यों बेटा? वो आपकी दोस्त। हाँ मेरी दोस्त। हेलो। हाँ बोलिए सर। वाओ दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सर। मॉम आप इतनी अपसेट क्यों हैं? नो नथिंग। कोई बात तो जरूर है, आप तो उसे गिफ्ट नहीं देने वाली थी, अब क्यों गिफ्ट दे दिया? पहले सोचा था कि नहीं दूंगी, पर ठीक है देखने दो उसे। उसमें आखिर है क्या मॉम? इसका मतलब उसकी माँ आपकी? मेरी कॉलेज फ्रेंड ज्योति। व्हाट इज दिस मॉम, आपकी फ्रेंड के साथ शादी कर ली? उसमें गलत क्या है? मैंने ही तो उसे लेटर में लिखकर कहा था कि वो शादी कर ले, पर अजीब बात यह है कि वो ज्योति है। लेकिन सही भी है, जो लड़की पहले से ही सब कुछ जानती होगी वो धोखा नहीं देगी। बस एक बार जाने से पहले उनसे मिलते हैं ना मॉम, उनसे पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमें जानकर क्या करना, उसने तो कोई गलती भी नहीं की है। अब साथ चल रही हो या यहीं रुक रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पढ़ूंगी। हाँ श्योर सर, मैं कल ही प्रेजेंटेशन दे दूंगी। पार्वती सी यू टुमारो सर। हाँ? तुम्हारा गिफ्ट बेटा। अरे भूल ही गई, ये आपके लिए है, सॉरी पापा। आज हमारे ऑफिस में आपकी फ्रेंड आई थी, उसी ने ये दिया है। मेरी फ्रेंड? हाँ एक मुस्लिम आंटी थी। मुस्लिम आंटी? नजीरा वो क्यों आई और चली क्यों गई? तुमने उन्हें रुकने के लिए क्यों नहीं कहा, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वो नजीरा नहीं थी, मुमताज थी। कभी असली नाम नहीं बताती है वो, पहले खानुम अब मुमताज, हर बार झूठ बोलती है। कहाँ गई कुछ पता है? फ्लाइट का टाइम हो गया था तो वो एयरपोर्ट चली गई। मैं एक इंडिया में ही पढ़ना चाहती, बायजैक हैदराबाद, कहीं पर भी उसकी पढ़ाई की अरेंजमेंट करवा देना। डिटेल्स मैं मलेशिया पहुंचते ही भेज दूंगी, मैं किस वक्त बायजैक में ही है, मैं नंबर मैसेज कर रही हूँ, उसके साथ टच में रहना ओके? मॉम प्लीज, मॉम मॉम मेरी बात तो मान लीजिए प्लीज, एक बार बात करने में क्या जाएगा, हमेशा अपने प्यार को अपने दिल में ही रखोगी क्या? मेरे लिए इतना बहुत है बेटा, जब सब कुछ होता है ना तो किसी की जरूरत नहीं होती। नहीं महक मेरे लिए इतना बहुत है। मॉम प्लीज, मॉम एक बार मेरी बात मान लो, मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मॉम दिल और आंखों में कॉमन सेंस नहीं होता, इनकी बात मानूंगी तो दर्द होगा, अपना ख्याल रखना।
मॉम। टेक केयर। नज़ीरा। हाय। हाँ जी सर। सर प्लीज एक सेकंड के लिए अंदर जाने दीजिए सर। ओ सर जी आप अंदर नहीं जा सकते। काम है सर, समझने की कोशिश कीजिए, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सर प्लीज सर बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं कर सकता, दिखता नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। नज़ीरा को ढूंढ रहे हैं। बात समझे सर आप। नज़ीरा खानू वो मेरी मॉम है। तुम्हारी माँ है? क्या है, मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? इतने सालों से कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? बेचारा राम, तुम्हें पता है वो कितना रोया? आंसू और इंसान जुड़वा बच्चों की तरह होते हैं। पूरी जिंदगी आंसू आपके साथ रहते हैं, हमारे जन्म से हमारी मौत तक। तुम इस बारे में इतना परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा, तूने तो बहुत कुछ सीख लिया। आंसू सब सिखा देते हैं। आप मेरी मॉम से प्यार करते थे ना? ये तुमसे किसने कहा? मॉम ने बताया था। तुम तो प्यार की बहुत बातें करती थी, वो और मैं तुमसे इंस्पायर हो गई। अरे तू उसे छुपकर प्यार करती रही, जब सामने आया तो उससे दूर चली गई। कैसा प्यार है ये। लेटर देने के बाद तुम्हारे चाचा भी गायब हो गए, असल में हुआ क्या था? कुछ पर्सनल हुआ था। अच्छा तुम्हारी शादी किससे हुई? है कोई जिससे हुई? ये कैसे जवाब दे रही हो? जो तुमसे प्यार करते हैं उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक से बताओ। सॉरी, सुना तुम्हारी शादी हो गई। ओह, तो तुम राम से मिल चुकी हो, उसी ने बताया होगा। हम दोनों की शादी नहीं हुई, लिव इन रिलेशनशिप। मेरे बाबा अक्सर कहते थे ये लड़कियां किसी के लिए नहीं रुकती, और तुम्हारी मॉम। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम पर कमेंट करने का आपका कोई राइट नहीं है। कुछ नहीं जानते आप, वो मेरी मॉम है, लेकिन मुझे जन्म नहीं दिया। उसने ब्रेकअप कर लिया, बोला मन भर गया। What? मैं ये नहीं मान सकती, तुम अपनी ही फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप में हो। ये मैं जानती हूं, पर मेरा राम ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बोल रही हो तुम, इसका राम से क्या लेना देना? मैं बता रही थी सीनू के बारे में। बेटी होने के बाद उसने कहा मन भर गया, हमने शादी नहीं की, जिम्मेदारी से मुंह फेर कर चला गया। बाबा ने मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढा, वो बोले कि बच्ची रुकावट है, इसे छोड़ दो। मन किया कि मैं मर ही जाऊं, अगर राम नहीं होता तो शायद मैं मर ही जाती। उसने कहा वो मेरी बेटी का ध्यान रखेगा, उसे उसमें उसकी मां नजर आती है, तो मैं मान गई। तो फिर वो तो कह रही थी वो तुम्हें तुम दोनों को मम्मी पापा बुलाती है, तो वो सब जानती है। किसी को झूठ बोलना राम को पसंद नहीं, वो उसकी बेटी जरूर है पर जन्म मैंने दिया है। हम दोनों उसके माँ बाप तो हैं, लेकिन पति पत्नी नहीं है। राम ने आज तक शादी ही नहीं की, सिर्फ उसके दिल में नहीं, उसके हर पल में बसी हो तुम। वो सिर्फ तुम्हें चाहता है, सिर्फ तुम्हें। नज़ीरा ने कभी शादी नहीं की?
अपने डैडी को प्यार समर्पित कर दिया और मेरी मॉम बनकर मेरी देखभाल की। ममता और प्यार में क्या महान होता है, इसलिए उसे क्या मिलना चाहिए ये भगवान भी नहीं जानते। तुमने उसे छोड़ दिया लेकिन तुम्हारे प्यार ने उसे नहीं छोड़ा, वो आज भी तुम्हें ही चाहता है। छूने से भी डर लग रहा है, डर है कि तुम फिर से दूर न चली जाओ।